और जशपुर दौरे पर पहुंचे छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी पीएल पुनिया ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। निशाना साधते हुए कहा कि जिस प्रकार बीजेपी सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, पहले केंद्रीय एजेंसियों को बहुत ही निष्पक्ष जांच करने वाली संस्था माना जाता था, लेकिन ये माना जाता था कि ये जांच करेंगे तो बहुत ही निष्पक्षता के साथ जांच होगी, लेकिन अब जांच एजेंसी निष्पक्ष नहीं रही है। तो वहीं रमन सिंह के बयान पर पलटवार किया, कहा कि सिंह जो भी कहे लेकिन हिंदुस्तान की जनता जान गई है कि क्या खेल मोदी सरकार खेल रही है। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला, देश की जनता इसका जवाब देगी, जनता सब देख और समझ रही है। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पुनिया ने बीजेपी की केंद्र की सरकार पर निशाना साधा, कहा कि जनता सब कुछ देख और समझ रही है, जनता बहुत जल्दी इसका जवाब देगी। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है, जिस तरीके से सीबीआई है, ईडी है, इनकम टैक्स है, पहले इन जांच एजेंसियों को बहुत ही निष्पक्ष जांच करने वाली एजेंसी माना जाता था और ये माना जाता था कि अगर ये जांच करेंगे तो बहुत ही निष्पक्षता से जांच होगी, लेकिन अब पिछले 8 साल से इसे देखने में आ रहा है कि ये जांच एजेंसियां निष्पक्ष नहीं रही, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के एक फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की तरह से काम कर रही है। रमन सिंह जी जो भी कहें लेकिन हिंदुस्तान की जनता अब पूरी तरह से जान गई है क्या खेल नरेंद्र मोदी या उसकी सरकार ये खेल रही है, ये चलने वाला नहीं है।